नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो जो नेशनल सीनियर चैंपियनशिप शुरू है नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में, उसमें फर्स्ट राउंड में एक लड़का है जम्मू का, सुमित ग्रोवर, उसने एक ग्रैंड मास्टर से ड्रॉ किया। एक्चुअली एंडिंग पार्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो विनिंग था उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें क्विकली हम लोग गेम विंडो की तरफ जाते हैं। एक्चुअली ओपनिंग पार्ट जो था कारोकान पे हुआ था, हम लोग को एक डायरेक्टली एंडिंग पे आ गए हैं जहाँ पे 24th मूव पे इस पोजीशन में क्वीन D2 खेला था। यहाँ पे क्वीन D2, क्वीन कट D2, रुक कट D2। मुझे लगता है जहाँ तक ओपनिंग वाइज अगर हम बात करें तो कारोकान में जो जो वाइट ने अचीव किया था वो एक्चुअली मुझे स्लाइड बेटर लग रहा था वाइट के लिए, लेकिन आफ्टर क्वीन D2 जब जब हम 24th मूव तक आ गए, ब्लैक के पास एक काउंटर मिल गया कि रुक एंटर हो गया 7th रो पे और आपका A2 पे थोड़े इश्यूज है, लेकिन आफ्टर रुक C2, रुक कट C2, बिशप कट C2, ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एंडिंग है कि डबल बिशप वर्सेस डबल नाइट। तो इसमें नाइट F(E7) खेला सुमित ने, बिशप E4, नाइट D5। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है पोजीशन क्योंकि अभी F4 पे थ्रेट्स हैं और अगर आप G3 से उसको सपोर्ट देते हैं इस पोजीशन में G3 से, तो ये पोजीशन एक्चुअली एक्चुअली लग रहा है कि यहाँ पे नाइट C3 आ रहा है और कुछ इश्यूज इसमें डेफिनेटली रहेंगे बाद में। तो नाइट C3 में भी बिशप इनटू C6 टेक्स, बिशप कट A7, नाइट इनटू A2, और ये एंडिंग शायद हो सकती थी, बट गेम में A3 खेला क्योंकि अगर आप नाइट इनटू F4 मारते हैं तो बिशप इनटू C6 टेक्स और बिशप इनटू A7 आ सकता है, बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक आउटसाइड पॉन है और नॉर्मली ऐसे एंडिंग्स में जिसके पास आउटसाइड पॉन होता है उसको ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं, तो ये भी एक प्लेबल पोजीशन था एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन गेम में A6 खेला ब्लैक ने और यहाँ पर ब्लैक ट्राई ये कर रहे हैं कि लाइट कलर बिशप इससे एक्सचेंज हो जाए और डार्क कलर में हमारे कोई पॉन नहीं है तो बिशप कुछ कर नहीं पाएगा फिलहाल। तो G3 खेला है यहाँ पे, G5 पोस्ट कर रहा है ब्लैक की एक्सचेंज करे और उससे फायदा ये होगा कि E5 वीक हो जाएगा, बिशप कट D5, ई कट D5। अब एक एक बहुत अच्छी बात हो गई कि एटलीस्ट अभी पेयर बिशप नहीं है वाइट के पास और इस एंडिंग में लाइट कलर्स को पॉन्स गार्ड करें अच्छे से, और अगर ये पॉन एक्सचेंज हो जाता है तो ब्लैक कैन डेवलप इज नाइट, लाइक मैन्यूअर इज नाइट, E7 से F5 जा सकता है और डार्क कलर हमेशा नाइट कंट्रोल करता रहेगा। तो बिशप E3 खेला यहाँ पे, जी कट F4, बिशप कट F4, और यहाँ पे आते आते मुझे लगता है कि ब्लैक डेफिनेटली स्लाइटली बेटर हो है इस एंडिंग में, क्योंकि आफ्टर किंग H7, किंग F2, किंग टू G6, किंग E3, H5, सभी पॉन आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप बिशप के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो, जिस कलर का बिशप है उसके अगेंस्ट में अगर आपके पॉन है तो डेफिनेटली वो कभी इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, और इसमें हम देख सकते हैं कि ब्लैक जो है वो किंग F5 भी इम्प्रूव कर सकता है नेक्स्ट पोजीशन में, और मेनली उसका आइडिया रहेगा कि H5 जो वीकनेस है वो एक्सचेंज हो जाए, HG HG4 को HG HG मार दिया और किंग G7 वापस आ गया। एक बार ये एच पॉन एक्सचेंज करने के बाद अभी ब्लैक जो है वो किंग को डेफिनेटली आके इस पे प्रेशर क्रिएट करने की सोचेगा, तो बिशप G3, किंग F8, बिशप टू E1, किंग टू E7, बिशप C3, किंग E6, किंग F4, और ये पोजीशन मुझे लगता है अभी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्लस है ब्लैक के लिए। एक बार D4 आ गया, बिशप टू D2, यहाँ पे वैसे आप देखें अगर तो नाइट इन टू E5 भी एक ऑप्शन है, पर इसको शायद शायद से किंग E4 एक वो आ रहा है, और अभी आप देखें तो नाइट इन टू G4 आप मार सकते हैं जिसमें इसको हम मार सकते हैं और मे बी किंग C5 के साथ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूव खेला BD2 को ब्लैक ने, किंग D5। किंग D5 को अगर हम बात करें यहाँ पे तो E6 दे दिया यहाँ पे वाइट ने। अब डेफिनेटली ये एक डेस्परेट ट्राई है क्योंकि जी पॉन को अगर क्लियर करना है तो आपको ये पॉन देना पड़ेगा और आप किंग इन टू नहीं मार सकते हो बिकॉज किंग E4 आके, तो इससे ये पोजिशन एक ठीक लग रहा है। तो पॉन इन टू मारा G5, नाइट E5, अब ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है इसको G6 को, A4, नाइट G6 चेक, किंग F3, E5, ये बहुत ज़्यादा विनिंग लग रहा है बिकॉज ये दो पॉन बहुत डेफिनेटली बिशप को कंट्रोल कर लेंगे आराम से। सो किंग G4 खेला,
यहाँ पे वाइट ने ई फोर, किंग एफ फाइव, ई थ्री, डेफिनेटली किंग जी सिक्स आप नहीं मार सकते हो क्योंकि पॉन टेक्स बिशप के बाद क्वीन बन रहा है सीधा, सो बिशप सी वन खेला यहाँ पे वैभव ने। नाइट ई फाइव, यहाँ पर एक्चुअली एक बहुत क्लियर विनिंग प्लान था कि आप सिंपली नाइट एच फोर खेलो, और इसमें अगर आप किंग किंग कहीं एफ फोर या जी फोर जाते हो, किंग जी फोर को एक सिंपल पोजीशन था कि किंग ई फोर जाके आप ये पोजीशन, लेकिन डेफिनेटली ये पोजीशन 49th रो पे आ गए तो टाइम प्रेशर में होगा सुमित, और ये सब जज करना इतना आसान नहीं होता, और ये सबसे ईजिएस्ट वे लग रहा था कि एनी फाइव जहाँ पे खेला। तो किंग एफ फोर, नाइट डी थ्री चेक, किंग एफ आई, डेफिनेटली आप नाइट इनटू सी वन नहीं मार सकते हो अभी क्योंकि इसमें शायद दोनों के क्वीन बने, ये भी शायद मुझे लगता है ये विनिंग होना चाहिए, पर अननेसेसरी रिस्क लेने की बात नहीं इसमें क्योंकि इसमें एटलीस्ट लास्ट में चेक आ रही थी, सो और क्वीन ई सिक्स बीच में नहीं आ रहा, तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि उसने रिजेक्ट किया हो ये वेरिएशन। नाइट सी फाइव खेला, जी सिक्स, नाइट ई सिक्स, यहाँ पे आके ए फाइव खेला वाइट ने, नाइट जी सेवन चेक, किंग टू एफ फोर, किंग ई सिक्स, किंग ई फोर। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ब्लैक जो है वो ऑफ ट्रैक हो गया, और इसको मारने की बजाय हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये दोनों पॉन पुश हो जाए। नाइट एफ फाइव खेला यहाँ पे, जी सेवन, नाइट कट जी सेवन, किंग इन टू ई फोर, अभी भी चांस था ब्लैक के पास एक्चुअली, यहाँ पे पहले ई टू खेला जाए जिसमें बी डी टू फोर्स हो जाएगा और फिर नाइट एफ फाइव चेक दें, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप किंग ई फोर आते भी हो तो नाइट डी सिक्स चेक या एंड नाइट बी फाइव एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजिशन थी, क्योंकि इसमें अगर आप किंग इन टू ई मारते हो पॉन तो नाइट डी फोर चेक देके नाइट बी थ्री मार देंगे, और नाइट बी थ्री मारने के बाद सिंपली मैं किंग इम्प्रूव करके ये पॉन भी मार सकता हूँ, सो दो पॉन के साथ शायद मैं आराम से जीतने के लिए ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो जब दो पॉन थे सेंटर में डी और ई फाइल में वो पोजीशन बहुत ज़्यादा विनिंग थी कंपेयर टू दिस, लेकिन चांस था अभी भी। लेकिन नाइट एफ फाइव खेला यहाँ पे, किंग ई फोर, ई टू, डी टू, नाइट नाइट टू, डी सिक्स चेक, ये ऑलमोस्ट आप देखें तो सेम पोजिशन आ गया, किंग डी थ्री एंड यहाँ पे किंग डी फाइव खेला, इसके बाद मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा चांस नहीं बचा था, और डेफिनेटली यहाँ पे ये डिसीजन टाइम प्रेशर में आया होगा, अदरवाइज नाइट बी फाइव अभी भी अवेलेबल था, और इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि फिर से वही प्लान कर सकते हैं हम, कि अगर ब्लैक वाइट सॉरी ई टू को मारता है तो हम नाइट आके इसको मार सकते हैं और धीरे से स्लोली हम लोग इम्प्रूव करके किंग इस पॉन पे भी टारगेट कर सकते हैं। किंग डी फाइव खेला यहाँ पे, किंग इन टू पॉन, किंग सी फाइव, और अब ये पोजिशन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि आफ्टर किंग सी थ्री, नाइट सी सिक्स, मुझे लगता है शायद सुमित को लगाऊंगा कि किंग बी फाइव बैठ के नाइट सी सिक्स ले लेते हैं या नाइट डी फाइव और बी फोर को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विनिंग चांस है बिकॉज आफ्टर बिशप ई वन, नाइट टू ई थ्री, बिशप डी टू, नाइट सी फोर, बिशप सी थ्री, नाइट डी सिक्स, मुझे लगता है वो टाइम प्रेशर में ट्राई कर रहे हैं कि कोई तो एक सिक्वेंस आ जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विनिंग चांस है। किंग बिशप डी टू, किंग टू सी सिक्स, बिशप एफ फोर, नाइट बी फाइव, किंग सी फोर, नाइट ए थ्री, किंग बी थ्री, नाइट बी फाइव, किंग सी फोर, और यहाँ पे दोनों ने ड्रॉ अग्री कर लिया। बहुत बार नाइट एंडिंग में हम अगर वन साइड वन एक जोन में कोई पॉन्स होते हैं तो नाइट ज़्यादा स्ट्रांग होता है बिशप से, क्योंकि हम स्लोली उस किंग को आउटप्ले करके और बी फोर को टारगेट कर सकते हैं, पर इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं था, और मुझे लगता है यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये रिजल्ट सुमित के लिए एक अच्छा रिजल्ट था कि फर्स्ट राउंड में आप एक ग्रैंड मास्टर से ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन वैसे अगर मैं बोलूँ तो सुमित बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने पहले भी बहुत सारे टाइटल प्लेयर को हराया भी है और ड्रॉ भी किया है, और मुझे याद है मैं कुछ साल पहले एक बार जम्मू गया था जब सुमित ने मुझे बुलाया था एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो भी अभी बहुत अच्छा खेल रहा है सोहम इस टूर्नामेंट में, लेकिन मैं अगर पर्सनल लेवल पर बात करूँ तो सुमित एक बहुत अच्छा समझदार लड़का है, और चेस की अगर हम बात करें तो जहाँ तक मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में वो ये है कि जब भी आप उससे बात करेंगे तो उसको हमेशा ECO कोड याद रहते हैं बहुत बार ओपनिंग्स के, जो कि नॉर्मली आजकल के प्लेयर्स को याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिसिलियन की बात करेंगे कि जैसे ड्रैगन की हम बात करें और नाजरोव की बात करें तो आप उसको सिसिलियन के B76, 78 ऐसे हर वेरिएशन के बारे में या कोई भी जो भी ओपनिंग्स और D4 के खेलता है तो वो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है उस पर, और एज अ पर्सन बहुत अच्छा लड़का है और बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है,
बीच में एक दो टूर्नामेंट बाहर भी खेला वो, तो बहुत अच्छा करता है एक्चुअली चेस के लिए, और ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है मुझे लगता है चेस वालों को, चेस फील्ड में। और बहुत शुभकामनाएं कि वो इस टूर्नामेंट में और अच्छा करे, और बाकी जो गेम्स होंगे उस इस टूर्नामेंट के, हम कोशिश करेंगे कि उसको एनालाइज करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस फर्स्ट ड्रॉ मैंने उसका देखा, मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट वीडियो उस पे बना लेते हैं, और मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू।